नमस्कार दोस्तों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के नगर निगम चौकी के 7 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद संक्रमण का खतरा बाकी यानी कि थाना सिगरा से आगे बढ़ते हुए अफसरों तक बढ़ चला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। आपको बता दें कि वाराणसी के नगर निगम चौकी से ही बड़े इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जाती थी। थाने की सभी चौकियों के पुलिसकर्मी, दरोगा व अफसर भी इनसे अछूते नहीं थे। वहीं भ्रमण के दौरान कई पुलिस व जिला प्रशासन के अफसर भी नगर निगम चौकी व सिगरा थाने तक पहुंचते थे। वहीं दवा कारोबारी के कार्यकलाप भी पुलिस को कोरोना के संकट के दायरे में ला रहे हैं। इसे देखते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सभी थानों को अतिरिक्त धन मुहैया कराते हुए सुरक्षा उपकरणों को लेकर कोई कोताही न बरतने के लिए आदेशित किया है। उन्होंने सभी थानों पर पीपीई किट सुनिश्चित कराते हुए हिदायत भी दी है कि कोई शव मिले तो उसके पास जाने से पहले पीपीई किट का इस्तेमाल करें, मास्क व सैनिटाइजर का नियमित प्रयोग करना भी ना भूलें। वहीं दूसरी ओर मड़ौली के 25 घरों में लोगों को बंद कर दिया गया है और जिसकी तादाद है करीब 200। कमिश्नर, जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी समेत अफसरों का अमला शनिवार को दिन भर नए हॉटस्पॉट एरिया मड़ौली में चक्रमण करता रहा। इलाके के 25 घरों में 200 लोगों को सील कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ मड़ौली के न्यू सेंट जॉन्स कॉलोनी निवासी दवा कारोबारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद परिवार के 14 सदस्यों की सैंपलिंग कराई गई है। जांच के लिए बीएचयू स्थित माइक्रोबायोलॉजी लैब भी भेजा गया है सैंपलिंग। वहीं संपर्क में आए 25 लोगों की सूची बनाई गई है, जिनमें देर रात तक 15 लोग ट्रेस हो गए। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों की थर्मल स्कैनिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने भी बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में जरूरी सामग्री के लिए बैरियर के पास ठेला खुमचा वाले सामान बेच सकेंगे। वहीं हिदायतों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी संभव है। बता दें कि सीएमओ डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति की कोरोना जांच के लिए भेजा जाता है, उसकी रिपोर्ट आने से पहले तक घर के सभी लोगों को घर से बाहर न निकलने व परिवार के अन्य सदस्यों से भी दूर रहने की हिदायत दे दी जाती है। इसके बावजूद दवा व्यवसायी ने हिदायतों का उल्लंघन भी किया है। दवा की दुकान पर जाकर बहुतों से संपर्क में भी आया है। पहले फर्म पर काम करने वाले और अन्य को मिलाकर 25 लोगों की सूची भी तैयार किया गया है। वहीं दूसरी ओर मंडवाड़ी थाने के 50 पुलिसकर्मियों की भी थर्मल स्कैनिंग की गई है। इसके अलावा मंडवाड़ी थाना क्षेत्र के चांदपुर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पंजाब से आए लोगों की भी थर्मल स्कैनिंग की गई। वहीं जिले में शनिवार को 10,796 व्यक्तियों की भी थर्मल स्कैनिंग की गई है और अब तक वाराणसी में करीब 2,23,411 व्यक्तियों की भी थर्मल स्कैनिंग की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर श्री काशी विश्वनाथ गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किए गए 14 पुलिसकर्मियों में से 7 के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शेष पुलिसकर्मियों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है और गेस्ट हाउस का भी सैनिटाइजेशन कराया गया है। दोस्तों, वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।